मेरे दोस्तों, आप देख रहे भजीज स्पिरिट ब्रीडिंग चैनल। आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भजरी तोतों में जो अक्सर ही होता है गर्मियों में, इनको मोशन की बीमारी हो जाती है। जिनको मोशन की बीमारी में अक्सर ही होता है कि जो तोते होते हैं बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, बिल्कुल इनमें जान ख़त्म हो जाती है। जैसे सामने फीमेल बैठी हुई है, सॉरी मेल बैठा हुआ है वाइट कलर का, इसको भी मोशन की बीमारी हो चुकी है। इसको भी मोशन लगे हुए, मार्केट से मैं फेलो खरीद के लाया था। तकरीबन ये देख सकते हैं, ये 5 से मैं लाया था, तकरीबन 6 दाने में लाया था। तो 6 में से जो एक आपको नज़र आ रहे हैं, जो सामने मेल बैठा हुआ, इसको मोशन की बीमारी हो गई है। तो तकरीबन अक्सर ये होता है कि जब भी हम बर्ड्स खरीद के लाते हैं तो अपने जो जाती दूसरे बर्ड्स होते हैं या कॉलोनी होती है या केज होते हैं उसमें डाल के रख देते हैं। इससे होता है कि जो बीमारी वो तोते को लगी हुई थी, जो मार्केट से आप खरीद के लाए होते हो, ऐसे ही दूसरे बर्ड्स को भी वो बीमारी लग जाती है। तो अगर कभी भी आप बर्ड्स खरीद के लाओ तो उसको अलग रखो, ताकि कोई भी इसको बीमारी हो तो उसको डेढ़ महीने आप इसको अलग रखो, ताकि कोई भी बीमारी हो तो पता चल जाए कि इसको क्या बीमारी है। और कुछ भी बीमारी होगी तो सामने आ जाएगी। अगर बीमारी सामने नहीं आती तो भी इसका आप मेडिसिन वगैरह इसको पिलाते रहो मोशन की, ताकि वो बिल्कुल ठीक रहे। तो ये जो सामने बर्ड्स बैठा हुआ है, इसको फेलो बैठा हुआ है, इसको मोशन की बीमारी हो चुकी है। इसलिए इसको मैं पकड़ के दिखाता हूँ और इसको इसका इलाज करते हैं और आपको भी इलाज बताते हैं। नाजिन ये देख सकते हैं, मैंने पकड़ लिया इसके मोशन। आप देखें किस तरीके से बिल्कुल पूरा इसका जो वेंट वाली सेट है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसकी जो हड्डी वो भी निकल चुकी है क्योंकि इसको मोशन लगे हुए। अभी आपको करना ही है, जो मेडिकल पे अगर आप जाएंगे तो आप इसको बोले ड्रेपर मुझे चाहिए, ड्रेपर की मदद से आप इसको खाली जो फ्लैजल सिरप आता है इसके 2 कतरे आप इसके हलक में उतार दें। सुबह शाम और रात आपको 3 टाइम इसके सिरप के कतरे डालने इसके हलक में। इस तरह अब इसको इस तरह पकड़ें, ये जो इसके हलक में 2 से 2 कतरे इसके हलक में डाल दें। इस तरह आप इसको सुबह शाम और रात 3 टाइम इस तरह दें। पानी में भी मिला के दे सकते हैं। पानी में देने का तरीका ये जो सिरप का ढक्कन आता है, आप एक ढक्कन वो भर के अपनी कटोरी में डाल दें। रात को प्यासा रखें, सुबह फिर वो इनको ताज़ा पानी भर के दें। पर वो पानी जो आप देंगे वो दवाई वाला पानी होना चाहिए। वो आप इनको देंगे तो डायरेक्ट वो रात को जब इनको प्यासा रखेंगे, सुबह फिर वो पानी देंगे तो बिल्कुल वो पानी डायरेक्ट उसको पीना शुरू कर देंगे और बिल्कुल सही रहेंगे। तो ये मैंने इसको दवाई खिला दी। अब इसका इलाज मैं बता देता हूँ। ये सिरप भी आपको देना है, सिरप भी आप यूज़ करवाएं अपने बर्ड्स को। जो ORS का पानी आता है वो भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। ORS का पानी देने का तरीका भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे बनेगी, ORS के पानी के ऊपर। और तीसरी चीज़, आपको जो बॉयल चावल आते हैं, बॉयल चावल आप इसको बॉयल चावल भी दें। भले कोई भी मोशन वाला बर्ड्स हो, मोशन हो या नहीं हो, आपको राइस बॉयल राइस वाले चावल ज़रूर देने, ORS का पानी भी ज़रूर देना है। जो फ्लैजल सिरप आता है ये भी आप ज़रूर दें। नाजिन ये फ्लैजल सिरप देखो, मैंने आपको बता दिया, फ्लैजल सिरप पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल पे मिल जाएगा। मैं फ्लैजल सिरप आपको